हनुमान जयंती पर महापौर निर्मल कोसरे ने भिलाई चरोदा नगर निगम के 4 वार्डों में विकास की झड़ी लगा दी। उन्होंने पूजा अर्चना के बाद श्रीफल फोड़कर इन वार्डों में लगभग 2.25 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का शुभारंभ किया। आरसीसी सड़क और नाली निर्माण होने से वार्डवासियों को आने वाले दिनों में अच्छी सुविधा मिलने लगी। महापौर निर्मल कोसरे ने लगातार आम जनता को विकास की सौगातों से नवाजा है। उन्होंने वार्ड क्रमांक 5 दादर पथर्रा, वार्ड 21 चरोदा बस्ती, वार्ड 22 चरोदा भाटापारा और वार्ड 27 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी चरोदा में 1,74,28,000 रुपए के विभिन्न विकास कार्यों को गति प्रदान किया है। इसके पहले श्री कोसरे ने महापौर परिषद के सदस्यों और संबंधित वार्ड के पार्षदों के साथ स्थानीय गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में पूजा अर्चना किया। वहीं विकास कार्यों की श्रृंखला में वार्ड 5 दादर पथर्रा में 35 लाख की लागत से सतनाम भवन बाउंड्री वॉल, लगभग 17 लाख की लागत से आरसीसी सड़क, 4 लाख की लागत से आरसीसी नाली व 10 लाख की लागत से आरसीसी सड़क निर्माण कार्य शुरू कराया गया है। वहीं वार्ड 21 चरोदा बस्ती में 19 लाख से आरसीसी सड़क व 10 लाख रुपए की लागत से आरसीसी नाली निर्माण, वार्ड 22 चरोदा भाटापारा में लाखों रुपए की लागत से यहां पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। सर्वप्रथम तो संकट मोचक हनुमान जी के जयंती के पावन अवसर पर सभी नगर वासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हनुमान जी की कृपा सबके ऊपर बने रहे। आज चूँकि पुण्य अवसर था, हमारे शहर में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की अनुशंसा से विकास कार्यों की सौगात हमें मिली है, जिसका आज श्रीफल तोड़ के हम लोगों ने शुरुआत किया है। इसी तारतम्य में आज हम लोगों ने विभिन्न सीसी निर्माण, नाले निर्माण, मंच निर्माण के लिए 1,74,00,000 रुपये की राशि का आज हम लोगों ने विधिवत शुभारम्भ किया है। बहुत जल्दी हमारे शहर के लोगों को विकास कार्य देखने को मिलेगा। जो मूलभूत समस्याएँ हैं, नाली सड़क, इनकी जितनी भी आवश्यकता है उसको पूरी की जाएगी। आने वाले समय में चरोदा वासियों के एक वृहद मांग रहा है, खेल के क्षेत्र में हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है, तो आने वाले समय में भी 30 लाख की राशि से स्टेडियम का भी यहां पर निर्माण किया जाएगा। इनके अलावा जो भी आवश्यकताएँ होंगे, चाहे सौंदर्यीकरण के लिए हो, चाहे सेट निर्माण के लिए हो, भिलाई चरोदा में सर्वांगीण विकास किया जाएगा। किसी भी वार्ड के किसी भी पार्षद के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपने मेरे बजट में देखा है कि सभी 40 वार्डों में जहाँ जहाँ पर मुक्ति धाम है, हम सबको एक दिन मुक्ति धाम में ही जाना है। वहाँ की सुंदरता, लोग वहाँ आते हैं और बैठते हैं, घंटों इंतजार करना पड़ता है। तो हम लोगों ने ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत चरोदा के जो मुक्ति धाम है उसके लिए हम लोगों ने राशि का प्रावधान रखा है। लगभग 20 लाख के राशि से मुक्ति धाम का जीर्णोद्धार किया जाएगा। वहाँ बर्निंग सेट यदि खराब हो गए होंगे तो बर्निंग सेट बनाया जाएगा और उत्ते राशि से वहाँ का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। हमारे वार्ड में आज भूमि पूजन किया गया, जिसमें हमारे निगम के महापौर और उनके साथ पार्षदगण और उनके टीम यहाँ उपस्थित थे। भूमि पूजन हुआ और जो भी हमने मांग की थी उन्हें पूरा किया। इस अवसर पर भिलाई चरोदा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मनोज मड़रिया, कांग्रेस नेता बीएन राजू, युवा कांग्रेस नेता अशफाक अहमद, हरमिक सिंह, टेक अमित दास सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग टेक, ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शरण खरे की रिपोर्ट।